नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और असम विधानसभा चुनाव से पहले किन राज्यों में गिरने वाली है सरकार, इस पर क्या कहता है पब्लिक ओपिनियन पोल और जो बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है। और असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए क्या आंकड़े यहां पर बनते नजर आ रहे हैं, CAA और NRC के बाद का यह महासर्वे ओपिनियन पोल, आखिर असम में इस बार किसकी बनने जा रही सरकार और क्या कहता है समीकरण, इससे पहले जो यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए हैं जिनमें बीजेपी को तगड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अब आने वाले चुनाव में बीजेपी अपना पूरा दम यहाँ पर दिखाएगी और कौन कौन से चुनाव हैं आने वाले समय में होंगे उसके भी बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो बीजेपी अब किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार गिराने वाली है, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इससे पहले अगर बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, गुजरात, यूपी, ये 5 बड़े राज्य हैं जहाँ पर विधानसभा चुनाव बहुत जल्द होंगे और इन 5 जो है विधानसभाओं में बीजेपी अपना दम या परफॉर्मेंस कहना होगा कि बेहतर करेगी ताकि लोकसभा में वो यहाँ पर अपना आंकड़ा बढ़ा सके। इससे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर कमलनाथ सरकार इस्तीफा दे चुके हैं और कमलनाथ सरकार के इस्तीफा देने के साथ ही कांग्रेस सरकार गिर चुकी है। अब किसका नंबर आता है, अगर बात करें तो खबरों के मुताबिक जो बड़ी खबर है उसमें महाराष्ट्र का नंबर अब आने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों ही एक सी स्थिति में है और महाराष्ट्र का अब नंबर सबसे पहले आता है, ऐसी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है। इसके अलावा राजस्थान भी वो राज्य है जहाँ पर संकट अब गहराते जा रहे हैं, तो ये वो 3 राज्य है जहाँ पर सरकार गिरने का सबसे बड़ा खतरा यहाँ पर है। इसके अलावा जो बड़ी खबर है कि इस बार अगर असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं, क्या बीजेपी एक बार फिर से यहाँ पर पलटवार करेगी और अब की बार बीजेपी का लक्ष्य क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें तो 126 सीटें असम विधानसभा चुनाव से आती है और 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है, लेकिन इससे पहले जो 2016 में चुनाव हुए थे बीजेपी ने 60 सीटें हासिल की, लेकिन इस बार क्या बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी, क्योंकि सबसे पहले CAA NRC का विरोध असम से ही शुरू हुआ था और CAA और NRC के बाद अब क्या बीजेपी यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लेकिन इससे पहले बीजेपी ने एक काम यहाँ पर कर दिया है, बोडो समझौते का जश्न PM ने जब रैलियां की और वहां पर जश्न देखने को मिला, तो बोडो जो समझौता है उसके बाद कहीं ना कहीं असम की जनता अब बीजेपी के पक्ष में नजर आ रही है, ऐसी खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ सवाल यहां पर पूछे गए हैं असम विधानसभा चुनाव को लेकर, इस पर क्या कहता है सर्वे, देखिए CAA NRC असम विधानसभा चुनाव 2021 वर्तमान सरकार को प्रभावित करेगी, कुछ लोगों का मानना है और जो बड़ी खबर यहाँ पर है और बड़ा जो सर्वे किया गया है, देखिए ऐस कहते हैं 82% लोग इसको मानते हैं तो इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, ऐसी खबरें यहाँ पर चल रही हैं जो सर्वे है उसके अनुसार, और 16% लोग इसको नो कहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा CAA और NRC असम विधानसभा चुनाव को लेकर बन सकता है, ऐसी खबर है। अगर विधानसभा चुनाव 2016 में जो चुनाव हुए थे उसके आंकड़े देखिए, कांग्रेस को 22 सीटें मिली 126 सीटों के मुताबिक और बीजेपी प्लस उसके सहयोगी जो रहे हैं जिनमें अगर बात करें तो BDP और BPF जो पार्टियां हैं वो बीजेपी के साथ रही थी, और यहां पर अगर बात करें तो AIUDF की जो पार्टी है उसको 14 सीटें हासिल हुई, अन्य के खाते में 2 सीटें यहाँ पर आई। इसके अलावा अगर बात करें तो जो लोकसभा चुनाव 2019 में हुए हैं उसके भी आंकड़े दिखाते हैं, देखिए 14 सीट यहाँ से आती है, 14 में से NDA को 10 सीट, UPA को 2 सीट और यहाँ पर AIDFK के लिए 1 और अन्य के खाते में 1 सीट गई, यानी 14 सीट में से बीजेपी NDA को 10 सीट हासिल हुई। लेकिन 2021 का चुनाव क्या कहता है, इस पर क्या कहता है सर्वे, देखिए अगर बात करें तो किस पार्टी के साथ किसका गठबंधन हो सकता है, इसके पहले अगर जो बीजेपी का गठबंधन है वो यहाँ पर असम गण परिषद और यहाँ पर बोडो फ्रंट पीपल्स फ्रंट जो पार्टी है उसके साथ बीजेपी का गठबंधन रहा है, और जो आंकड़े हैं और जो फिलहाल जो यहाँ पर सर्वे करता है उनका साफ तौर कहना है कि बीजेपी इस बार भी इन्हीं दलों के साथ असम विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। अगर ये गठबंधन उतरता है तो कितनी सीटें आएंगी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन बीजेपी के अलावा यहाँ पर कांग्रेस यानी UPA के साथ यहाँ पर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो यहाँ पर पार्टी है वो कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेगी, अगर लड़ती है तो कुछ कितनी सीटें इनके खाते में जा सकती हैं इस पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे। लेकिन असम विधानसभा चुनाव 2021 के पहले जो असम में अगर बात की जो सर्वे किया गया है, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री असम के अंदर कौन हो सकता है, देखिए यहाँ पर जो है सर्वानंद सोनोवाल के लिए 47% लोग मानते हैं
ये इस राज्य के अच्छे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, फिर से यहाँ पर दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकती है। के अलावा कांग्रेस की तरफ से देवेंद्र सिंह को यहाँ पर लोगों ने 18% माना है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहाँ पर बदुद्दीन जो अजमल हैं उनके लिए 23% लोग माना है कि वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी पहली पसंद यहाँ पर सर्वानंद सोनोवाल जो बीजेपी कैंडिडेट है वो ही चुनावी मैदान में मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से उतरने वाले हैं, ऐसी भी खबर यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस के साथ इस बार जो है ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के साथ असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स जो पार्टी है वो यहाँ पर साथ में चुनाव लड़ने वाली है। लेकिन जो CA NRC को लेकर जो मुद्दा है इस पर लोगों का मानना है कि इस पर जो है कांग्रेस बढ़त बना सकती है। इसके अलावा इसका नुकसान बीजेपी को 28% जो बांधे का इसका नुकसान बीजेपी को होने वाला है। लेकिन असम विधानसभा चुनाव 2021 के लिए क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए अगर यहाँ पर बीजेपी को जो उन्होंने समझौता किया है, बोडो जो समझौता किया उसका फायदा अगर मिल जाता है तो अभी आंकड़े बन रहे हैं। अगर CA NRC का जो है बीजेपी को फायदा नहीं होता है इसके बाद क्या आंकड़े बनेंगे उसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। देखिए बीजेपी को अपने दम पर 45 सीटें और उसके सहयोगी इसमें यहाँ पर AGF और यहाँ पर PVF जो गठबंधन है वो अगर साथ आ जाते हैं तब बीजेपी जो है 71 सीटों तक पहुंच रही है। यानी बीजेपी प्लस उसके सहयोगी यहां पर 71 सीटें हासिल कर रहे हैं और 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यानी बीजेपी यहां पर सरकार बनाने में कामयाब हो रही है। लेकिन बीजेपी का क्या दावा, बीजेपी इस बार दावा कर रही है और उसके सहयोगी दल की इस बार वो 100 के पार जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर CA NRC का बीजेपी को नुकसान हो जाता है तो फिर क्या आंकड़े बन सकते हैं? देखिए यहाँ पर 48 सीटें कांग्रेस को और बीजेपी 37, के अलावा यहाँ पर AIUDFK के लिए यहाँ पर 12 सीटें, यानी यहाँ पर 60 सीटों तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दल पहुंच सकते हैं। अगर अन्य की 3 सीटें और यहाँ पर ऑल इंडिया जो तृणमूल कांग्रेस की 1 सीट मिला दी जाए तो ये आंकड़ा जो है वो 64 पार कर लेगा। यानी 64 सीटों पर पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाती है। अगर यहाँ पर CA NRC का जो है बीजेपी को नुकसान होता है तब ये आंकड़े बन रहे हैं, वरना यहाँ पर बीजेपी एक बार फिर से असम में सरकार बनाने वाली है, ऐसे आंकड़े यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है असम में इस बार किसकी सरकार और कितनी सीटें किस पार्टी को आएंगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और ये तो आंकड़े हैं, आंकड़ों में फेरबदल भी हो सकता है क्योंकि आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे और किस प्रकार के कैंडिडेट उतरते हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ मिलेंगे। आपका दिन शुभ। जय हिंद, जय भारत।